एज ह्यूमंस हमें क्या, हर चीज करने से हमें क्या रोकता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक फ्री में एनुअल हेल्थ चेकअप चल रहा है, तो क्या आप उस हेल्थ चेकअप में जाएंगे? फ्री में ही सही, नहीं जाएंगे। आई एम श्योर 90% ऑफ द पीपल नहीं जाएंगे। व्हाई? बिकॉज व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इज द फियर, डर, फियर ऑफ यू नो डायग्नोस विद एनी डिजीज। मुझे मालूम है कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है दैट आई माइट डायग्नोस विद दिस प्रॉब्लम, आई कैन सेंस दैट, बट स्टिल आई विल अवॉइड। व्हाई? बिकॉज मुझे डर है कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर मेरी मिठाई बंद कर दे, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कोई डिजीज पता लग जाए। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद दवाइयाँ, उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अर्ली डायग्नोसिस से हमें चीजें ठीक हो जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ आपकी गाड़ी का फ्री चेकअप है, आप आइए कराइए, कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डर, लोग पैसे ना मांग ले, लोग पैसे ना ले ले हमारी चीजें ठीक करने के लिए। सिमिलरली वास्तु के बारे में भी ना बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं। उनको लगता है वास्तु किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से वो बात करेंगे, वो चार चीजें बताएंगे, घर में प्रॉब्लम्स बताएंगे, तोड़फोड़ करने को कहेंगे, और फिर हम उसके बाद क्या कहेंगे। बहुत बार लोग होता है कहते हैं हम तो बने बनाए घर में रहते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बट यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट वास्तु इज अ साइंस। सपोज आपको कोई डिजीज हुई, आपने क्या किया, आपने मेडिसिन खाई, आपने अपनी बॉडी को उस डिजीज के अगेंस्ट प्रिपेयर किया, आपने अपनी बॉडी को मेटाबॉलिज्म को बैलेंस किया। सिमिलरली वास्तु है, वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर में कोई दोष है तो उसकी बहुत सारी दवाइयां होती हैं, आपके घर की जो एनर्जीज हैं वो ठीक हो जाती हैं, घर की एनर्जीज जो है वो बैलेंस हो जाती हैं। पर इस चीज को समझना कि वास्तु इज अ प्योर साइंस, इट इज अ साइंस ऑफ डायरेक्शंस, द 8 डायरेक्शंस एंड द 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस। देखिए आप वास्तु को माने या ना माने, ये आपका अपना बिलीफ है, लेकिन 8ों दिशाएं भी यही रहेंगी, 5ों तत्व भी यही रहेंगे। ये तो यूनिवर्सल है, दिस इज साइंटिफिक, यू कांट डिनाई दैट दिस अर्थ हैज लाइफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। वी हैव लाइफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5ों तत्वों में से किसी का भी बैलेंस ऊपर नीचे होता है तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। सिमिलरली वास्तु का होता है। अब कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं, भगवान ने हमारी आंखें बनाई हैं देखने के लिए, नाक बनाई है सांस लेने के लिए, मुंह बनाया है खाने के लिए। क्या होगा अगर मैं आपके नाक से खाना डाल दूं, या क्या वो आप स्थिति सोच सकते हैं कि किन की नाक से खाना डालता जाता है जो कि बहुत बीमार होते हैं? सिमिलरली वास्तु के कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं, लोगों ने उन प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा गलत समझा है। आए दिन लोग कहते हैं कि भाई ये तो वहम है, ये लोग आएंगे तो तोड़फोड़ कर आएंगे। बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट द लैक ऑफ नॉलेज। बहुत बार, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल टेल मी कि वी बिलीव इन हार्ड वर्क, वी डोंट बिलीव इन वास्तु, वी बिलीव इन डेस्टिनी। ओके फाइन, आई ऑल्सो बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं भी बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, आई ऑल्सो बिलीव इन डेस्टिनी। बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वास्तु हैज अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। सी इट इज लाइक अ सपोर्ट सिस्टम। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वास्तु आपको और प्रमोट करेगा। आपका समय खराब चल रहा है, वास्तु अगर खराब होगा तो माय डियर फ्रेंड्स यू आर गोइंग टू गेट रुइंड। एंड लेकिन अगर आपका वास्तु अच्छा होगा तो आप ये मान के चलिए कि वो आपको सपोर्ट करेगा। सपोज आप कहीं से, आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलिए, आप कहीं से गिरे, लेकिन आप क्या होगा, आप किसी चीज पे गिरोगे, आप किसी तारों पे गिरोगे। अगर आपका घर का वास्तु, ऑफिस का वास्तु अच्छा है, कितनी बार रिसेशंस चलते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे लोग सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं करते हैं, इस चीज में बहुत सारी रिसर्चेस भी की गई हैं, बहुत सारी चीजें भी की गई हैं जो इस चीज को प्रूव करती हैं। बट इन द एंड वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज लाइक अ पेस मेकर, इट इज लाइक अ सपोर्ट सिस्टम। सो अब मैं आपको सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी वास्तु के, जो कि आप इस पर्टिकुलरली इस समय में आप इन सब चीजों को फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए, एक छोटे से COVID-19 स्ट्रैंड्स ने पूरी की पूरी मानव जाति को कैद कर दिया है। वी आर जस्ट लॉकडाउन, हम कुछ नहीं कर सकते। हर तरफ
या तो आपको ये सुनने को मिल रहा है ये बीमार है, या आपको ये सुनने को मिल रहा है कि इटली में इतनी डेथ्स हो रही है, या आपको ये सुनने को मिल रहा है कि हमारे केसेस राइज कर रहे हैं. इसके अलावा आज की डेट में वी डोंट हैव एनी टॉपिक ऑफ डिस्कशन. सो जस्ट टू कीप अस सेफ एंड हेल्दी, आई विल गिव यू कपल ऑफ टिप्स. फर्स्ट थिंग, द मॉर्निंग सनलाइट. द मॉर्निंग सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी, मॉर्निंग सनलाइट एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी दवाई है जो नेचर ने हमको पूरी तरह से फ्री में दी है, बट हम उस चीज को यूज ही नहीं करना चाहते हैं. जैसे ही सन दिखता है हम शेड लगा लेते हैं, हम अम्ब्रेला खोल लेते हैं. आई अंडरस्टैंड बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, बट हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग सनलाइट. सो इफ यू हैव ईस्टर्न विंडोज और इफ यू हैव ईस्टर्न बैल्कनीज, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू ओपन देम अप इन द मॉर्निंग, स्पेशली एट द टाइम ऑफ सनराइज till 11 a.m. That is the best time to take the morning sunlight. Then, second thing, our shoes and sandals. See, this is very scientific. Vastu is pe hamesha insist karta hai ki kabhi bhi bahar ke joote chappal pehenkar ghar mein nahi chalna chahiye. The reason being, ghar ke bahar bahut negativities hoti hain, drains hote hain, gandgi hoti hai. You put your step on the drain, aap drain ke upar pair rakhte hain, क्या होता है, सारी की सारी नेगेटिविटी आप शूज के द्वारा या चप्पलों के द्वारा अपने घर में लेके आते हैं. अगर मैं आप इस चीज को इस समय रिलेट करती हूँ COVID-19 से, सो कोई इन्फेक्टेड है, किसी ने स्पिट किया, ड्रॉपलेट्स गिरी, आपने उसके ऊपर पैर रखा और वही जूते चप्पल लेके आप अपने पूरे घर में घूम रहे हैं. और मान लीजिए अगर आपके छोटे बच्चे हैं जो कि हाथों से चलते हैं या हाथ लगाते हैं, तब आप खुद ही सोच सकते हैं कि उस घर में किस प्रकार का इन्फेक्शन फैलेगा. सो माई डियर फ्रेंड्स, द सेकेंड टिप इज कि घर के जूते चप्पल एकदम घर से बाहर होने चाहिए स्ट्रिक्टली. दैट विल सेव यू फ्रॉम लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑल्सो एंड डिजीजेस ऑल्सो. नाउ थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर. वास्तु में नॉर्थ ईस्ट का बहुत महत्व है. इट्स अ वेरी सेंसिटिव कॉर्नर एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्नर इन वास्तु, एंड स्पेसिफिकली इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ ऑल्सो. सो आप अपने घर का एक बार नॉर्थ ईस्ट चेक करिए. नॉर्थ ईस्ट होता है नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच वाला जो पोर्शन होता है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट. सी, टेक्निकली मैं आपको बहुत नहीं बोलूंगी कि आप डायरेक्शंस निकालिए, लेकिन आजकल वास्तु कंपास सबके मोबाइल्स में होते हैं. आप उसको एक जनरल अपने घर के बीच में रख के देख सकते हैं आपका नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है, और जहां पे आपका नॉर्थ होगा उसका राइट हमेशा ईस्ट होगा. सो उसके बीच का जो पोर्शन है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है. आप ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में आपके किसी प्रकार का कोई क्लटर तो नहीं है. अगर कोई क्लटर है, कोई हैवीनेस है, तो उसको हल्का करिए, साफ करिए. अगर इस दौरान देखिए, ये टिप जनरली हर एक को पता होती है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट गलत है, लेकिन स्टिल लोग यूज करते हैं, बिल्कुल हर समय यूज करते हैं. पता है ये चीज मुझे नुकसान कर रही है, लेकिन करेंगे. सो इस दौरान मैं चाहती हूँ कि अगर कुछ दिन तक, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू हैव अ नॉर्थ ईस्टर्न टॉयलेट, डू नॉट यूज इट. Just shut it down. You can use it for bathing purpose, but not for the WC. अगर नॉर्थ ईस्ट में आपकी बैल्कनीज हैं, विंडोज हैं, तो उनको बिल्कुल खोल के रखिए. जितनी पॉजिटिविटी आपको वहां से मिलेगी घर में, उससे ज्यादा किसी और कोन से नहीं मिल सकती है. अब मैं आपको एक पर्टिकुलर कॉर्नर के बारे में बताऊंगी. अगर आप ये देख पा रहे हैं, सो ये हमारा नॉर्थ है, ईस्ट है. सब आप ये देखिए कि जहां पे नॉर्थ है राइट में हमेशा ईस्ट होगा. अगर आप ये ग्रीन एंड येलो पार्ट देखते हैं, दिस इज द नॉर्थ एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर. ये हमारा पूरा जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है ना, दिस रिप्रेजेंट्स आर इम्यूनिटी. ये हमारी इम्यूनिटी बताता है. सो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट की तो हम बात करते ही हैं, बट स्पेसिफिकली नॉर्थ, आप ये मान लीजिए कि जहां पे आपका कंपास नॉर्थ दिखा रहा है, उससे आप 5-7-8 फीट तक मान लीजिए आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द हाउस एरिया. सो इस एरिया में किसी भी प्रकार की कोई हैवीनेस नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए. एंड स्पेसिफिकली अगर आपको दिख रहा है कि वहां पे कुछ रेड कलर का रखा हुआ है, ऑरेंज कलर का रखा हुआ है, या एनीथिंग टू डू विद द रेड फैमिली, उसको प्लीज वहां से रिमूव करिए. इफ यू आर फीलिंग अ लिटिल अनहेल्दी इन एनी वे, सो यू कैन स्पेंड योर टाइम इन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, विच इज दिस कॉर्नर, एंड यू कैन इवन कीप योर मेडिसिन ओवर देयर. Now, another very important corner is this, the south of southwest, which is just diagonally opposite to this. This corner is again very, very important. Just make sure that you do not keep your medicines in the south of southwest.
आपकी दवाइयां घर से कभी नहीं खत्म होंगी। अगर आप बीमार हैं तो आप कभी भी इस पोशन में ना बैठें, ना ज्यादा टाइम स्पेंड करें। बट इन द करंट सिनेरियो एवरी डायरेक्शन हैज इट्स गॉट इट्स ओन इम्पैक्ट, बट व्हाट वी आर फेसिंग करंटली दिस टू थिंग्स स्पेशली दिस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो एक और छोटा सा टिप दूंगी, अगर आपके पास कोई वाटर फाउंटेन है, रनिंग वाटर फाउंटेन है, तो आप उसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए। अगर नहीं है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपनी कुछ पानी की बॉटल्स ग्लासेस वहां रख सकते हैं, लेकिन उसको यूज में लीजिए। इट शुड बी अ सर्क्यूलेटिंग वाटर, ऐसा नहीं है कि वहां पानी रख दिया और छोड़ दिया, उस वाटर का मूवमेंट वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ नॉर्मल यूनिवर्सल टिप्स हैं जो कि हम जनरल लोगों को करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस समय मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी कि लोग जरूर करें। कैम्फर, कपूर हम सबके घरों में होता है। कैम्फर हैज गॉट अ वेरी गुड प्रॉपर्टीज टू किल द नेगेटिविटीज। सो कपूर यू हैव टू इवेपोरेट द कैम्फर। आपको कैम्फर जलाना नहीं है, यू डोंट हैव टू बर्न इट, जैसे हम आरती करते हैं वैसे नहीं करना है, यू हैव टू इवेपोरेट इट। जनरली सब लोगों के पास एसेंशियल ऑयल्स वाले लैम्प होते हैं जिसमें नीचे टी लाइट कैंडल जलती है, या ऊपर आप एसेंशियल ऑयल डालते हैं, या कोई भी चीज जो गर्म हो रही होती है उसके ऊपर आप कपूर के कुछ पीसेस रख सकते हैं, एंड ग्रेजुअली वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। दूसरी है कि द सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेगुलर टाटा सॉल्ट और समथिंग। आजकल हर जनरली हर घर में यू विल फाइंड द सी सॉल्ट और द लाहौरी नमक, सो यू कैन यूज इट वाइल मॉबिंग द फ्लोर, पोछा लगाते हुए आप उसको डाल सकते हैं, बिकॉज इट हैज ऑल्सो गॉट, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक, जनरली इट एब्जॉर्ब्स द नेगेटिविटीज, सो इट हैज गॉट द पावर टू एब्जॉर्ब द नेगेटिविटीज। सो अपनी रेगुलर उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अगले 45 मिनट्स में हम लोग सब अपने घर के बाहर जाके क्लैपिंग करेंगे, सो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा सजेशन देना चाहूंगी कि क्लैपिंग के साथ साथ आप अपने घर में बेल जरूर बजाएं। पूजा घर में हमारी छोटी सी घंटी होती है जिसे कि हम बजाते हैं। सो जो रिंगिंग ऑफ बेल हैज गॉट अ वेरी साइंटिफिक रेलेवेंस। आप जब भी घर में घंटी पूजा करते हुए घंटी बजाते हैं, या अपने घर में घंटी बजाएं, या अगर आप शंखनाद करना जानते हो, द कॉन्च, दैट इज अगेन अ वेरी पावरफुल थिंग। सो आप पूरे घर में उस घंटी को बजाते हुए जरूर घूमिएगा। अभी आज बहुत अच्छा समय है, पूरा इंडिया इस चीज के साथ होगा, और जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैं उन सबको ये सजेस्ट करूंगी कि ताली थाली सबके साथ बजाने के साथ साथ आप वो जो घंटी है उसको भी जोर से बजाएं, पूरे घर में बजाएं, बिकॉज द रिंगिंग ऑफ बेल हैज एक्चुअली प्रूवन दैट इट वार्ड ऑफ द नेगेटिविटीज। सो अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सके आप इन टिप्स को फॉलो करिए, स्टे इनडोर, स्टे सेफ। If you have any queries, you can mail me, you can call me, or you can WhatsApp me. Thank you. Namaskar. Jai Hind.